अस्सलाम वालेकुम, आई केम लाइव अगेन। सो आप सब मुझे राबेल के नाम से जानते हैं। मेरी पहली वाली वीडियो, आई गेस मेरा फ़ोन हैंग हो गया था जिसकी वजह से स्टॉप हो गई। सो अपनी लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोबारा आप सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द गिर्द रंग रोशनी और खुशबू रहे, और आप यकीन के साथ अपनी मंजिल की जानब बढ़ते रहें। आई होप कि आई एम लाइव पब्लिकली एट दिस टाइम। सो आई इन्वाइटेड मरियम। मरियम, अगर आप यहाँ हो तो आओ, मुझे ज्वाइन कर लो मेरी लाइव वीडियो को। यस, आई एम लाइव एंड आई एम पब्लिक, आई कैन सी दैट। ओके, अभी ज्वाइन किया हमें मैम रफिया ने, और थैंक यू सो मच मैम, आपने ज्वाइन किया। शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर टीम एंड शी इज़ ऑल्सो टेकिंग इंटरव्यूज एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी इज़ इन माई टीम। एंड वी हैव मरियम अलावाला टुडे। मरियम, आप अगर मुझे देख रही हो तो मुझे ज्वाइन करो। अभी हमें ज्वाइन किया है इंस्पायरिंग इमरान ने, सारा ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच सारा। रविंदर सिंह जी ने ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। गुलशन राजा जी ने ज्वाइन किया है, हैदर चौधरी ने ज्वाइन किया है, मरियम ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग बैक। अभी मरियम से हम बात करेंगे। आई होप कि मेरा फ़ोन और हम बहुत सारी बात करें। तो मैं बात कर रही थी कि आपके रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं, क्या छोटे छोटे टारगेट थोड़े से सेट किए हैं आपने अपने आप को बेहतर करने के लिए, और तो हमसे शेयर करें और मैं यहाँ इंक्लूड करूँगी, पढ़ूँगी। सो आदिल मुगल ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच आदिल। शाह सईद, निर्जा शर्मा ने ज्वाइन किया है, हेलो। आई होप कि आप इंडिया से होंगी या पाकिस्तान से, अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से तो मेंशन करें। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। क्या हो रहा था मरियम, अफ्तारी हो गई? जी अच्छा, तो मरियम से हम क्या सवाल करें? अच्छा ये बताओ मरियम, आपको बेकिंग बड़ी पसंद है और आपने अपने स्टेटस में भी ये लिखा है केक एंड बेकिंग। जी बेकिंग एंड कुकिंग। अच्छा, तो कुकिंग एंड बेकिंग लिखा है, तो जी जो है कुकिंग एंड बेकिंग जो है मरियम, कितना कितना ऐसा हो गया कुकिंग एंड बेकिंग करते हुए? सेवन्थ बताया था शायद, 7 साल। 6 साल। अब तो एक्सपर्ट बन गई होगे हैं? नहीं नहीं, मुझे तो अभी रोटी बनानी भी नहीं आती मरियम, मुझे तो शर्म आ रही है थोड़ी थोड़ी आपसे बात करते हुए। रोटी बनानी मुझे भी नहीं आती, बहुत खराब बनती है। अच्छा, मैं तो उसका सहारा लेती हूँ, वो जो नहीं होता उसे तो पंजाबी की जबान में चिकना बेलना कहते हैं, उर्दू में शायद ऐसे ही कहते होंगे, तो मेरी भाभी यूज करती हैं, वो पंजाबी हैं, पंजाबी बोलती थी, तो मतलब उनकी पंजाबी लैंग्वेज थी, लाहौर से वो आई हैं, तो वो उसको ऐसे ही बोलती हैं चिकना और बेलना, तो दैट्स व्हाई, तो उसमें कुछ सही बन जाती है। वो तो मैं भी यूज करती हूँ, वो बेल भी जाती है ठीक से, मगर वो सेकने में पूरी सख्त हो जाती है। हाँ, कुछ कुछ ना कुछ मसला रह ही जाता है। अच्छा, तो जो है ये होता रहता है, और बेकिंग में केक बेक करना आ जाता है? अभी कल परसों की बात है, मैं कुछ कर रही थी, कुछ बना रही थी, तो वो मैंने कभी कुकर, वो होता है ना जो प्रेशर कुकर, उसमें कभी कुछ बनाया नहीं था, सो अभी सबको पता चल जाएगा मेरी कुकिंग स्किल्स का। तो मेरी वो मैं चेक करने गई तो मैंने खोला, मुझे लगा था कि वो जो है ना उसके उसकी जो भाप है ना तो अच्छे से निकल गई होगी, तो मैंने जब एंड हो गया ना उसको उसको खोला जो सही, उसमें जो जो था वो बाहर आ गया। उसके बाद मुझे इतनी अच्छी उसके बाद मुझे इतनी हंसी आई। तो ये एक्सपीरियंस हुआ था। खैर, मुझे लगता है कि ये भी एक स्किल है, अगर सीखी जाए, काम किया जाए, प्रैक्टिस की जाए तो आ जाती है। अच्छा, मरियम 6 साल पहले एज क्या थी जब आप करती थी कुकिंग? जी 7 साल। अच्छा, तो अब आप तो बहुत अच्छी चीजें बनानी आ गई होंगी। अच्छा, किस क्लास में पढ़े? अच्छा, अपने आपको इंट्रोड्यूस तो करवाओ मरियम, आप अपने आपको इंट्रोड्यूस कैसे कराओगे? सॉरी, अपने आपको इंट्रोड्यूस तो करवाओ, हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Mariam Alawala and I am 13 years old. I go to school. 13 years old, क्या आगे समझ नहीं आई?
Where is Mikhail? Mikhail. ओके ओके, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो? एट एट ग्रेड. ए. सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सारे? कोई सा भी नहीं, कोई सा कोई भी सा नहीं. भी नहीं? पढ़ाई अच्छी बिल्कुल जबरदस्ती भी नहीं, है? पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. पक्का? सच्ची? देख लो, मजबूरी से तो हम काम नहीं कर सकते ना, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं लगती. अच्छा, फैसल सदीकी कह रहे हैं आई वॉन्ट वॉन्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. चलें ठीक है भाई, अगर आप, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट में लिख दें, मैं पढ़ दूंगी. ठीक है, अभी हमें ज्वाइन किया है इजाज़ कुरैशी, कनाडा वाला ने, थैंक यू सो मच. आपने ज्वाइन किया, मोना पटेल ने ज्वाइन किया, शेरुल्ला. अच्छा, पता नहीं ये शेरुल्ला कौन है. चलें, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, अगर बाद में आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आपके रोजे कैसे जा रहे हैं, तो आप जरूर बताइए. अच्छा, तो कल यहाँ मुल्तान में मौसम बहुत अच्छा था, तो पता भी नहीं चला. आज मुल्तान में थोड़ी सी गर्मी थी, तो थोड़ा महसूस हुआ कि आज रोजा है. तो वहाँ कराची में हालात कैसे हैं? कल पता नहीं, कल बाहर, घर से बाहर नहीं निकली, कल थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन रोजा. हाँ, अच्छा, मैं एक वीडियो देख रही थी मरियम, आज सुबह के टाइम के, जब हम रोजा रखते हैं तो उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड क्या होती है, और थर्ड और फोर्थ क्या होती है. फर्स्ट स्टेज में यही पहले 2 दिन आपको महसूस होता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम खाते रहते हैं, सिर्फ खाते रहते हैं, तो वो जो है उसमें लगा रहता है, मतलब जो हम खा रहे हैं वो अंदर से जितनी भी मशीनरी है वो उसको कंज्यूम कर रही है, सब चीजों को. ठीक है, जब हम रोजा रखते हैं और भूखे रहते हैं तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को. सबसे पहले वो रिलैक्स होता है, फिर हमारे तमाम सेल्स को रिपेयर करता है, फिर इस तरह मतलब उसको ज्यादा तवानाई मिलती है. हालांकि मुझे ये लग रहा था शायद हम जब रोजा रखते हैं तो तवानाई कम होती है, हम निढाल हुए होते हैं, पानी नहीं पीते गर्मियों में, तो वैसे ही. लेकिन इतना मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी कि इसलिए कहते हैं कि रोजा हमारी सोल को भी और हमारे जिस्म को भी, टॉक्सिन भी रिलीज करता है और हमारी सोल को भी प्योरीफाई करता है. हाँ, अगर अपने आप पे हम जबर ना करें तो. आप क्या कहती हो इस बारे में? अच्छा देखो, मैं ज्यादा बातें कर रही हूँ और इंटरव्यू आपका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझसे सवाल करो. आई लव टू आंसर यू. मेरे पास कोई सवाल नहीं है. सवाल नहीं है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं. अच्छा ये बताओ कि आपको आपके टीचर्स जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छे टीचर्स कौन से लगते हैं, नाम बताओगे? कोई स्पेसिफिक टीचर तो नहीं है. अच्छा, कोई एक तो होता है जो बहुत इंस्पायर करता है, जिसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं और दिल करता है कि इन ये टीचर जरूर हो, इसकी क्लास जो है ना हमने जरूर अटेंड करनी है. सारी बराबर है? सब तो अच्छे नहीं लगते होते, ऑब्वियसली. क्या बात, समझ नहीं आई. सब टीचर्स तो अच्छे नहीं लगते, ऑब्वियसली, लेकिन अच्छा, सब टीचर्स नहीं लगते. तो चलो, जो अच्छे लगते हैं वो कौन से हैं? यहाँ कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ मैं. अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपकी डीपी देखी कि आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, कितनी फ्रेंड्स हैं आपकी? मेरी एक्चुअली क्लास में सिर्फ 9 बच्चियां हैं, तो वो सभी दोस्त हैं. हम लोग सब एक दूसरे दोस्त हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, करीब परे दोस्त होते हैं थोड़े से, मगर सबके साथ ही सेम दोस्ती होती है ऑलमोस्ट. अच्छा ये तो बताओ, रियल लाइफ में इतना कम बोलते हो आप या रियल लाइफ में ज्यादा बोलते हो? सच सच बताना. एक्चुअली मूड जब थोड़ा सा ज्यादा हाइपर हो भी होती है तो ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन कैमरा पे ऑब्वियसली थोड़ा कम. सही बोल. अच्छा सही. कैमरा से क्यों, आजकल आदत नहीं दिमाग में होती कुछ है? सर. ऐसे हिचकिचाहट क्यों महसूस होती हो? आप तो काफी दफा आ चुके हो ना लाइफ.
और बात भी कर चुकी हो? हाँ, मगर थोड़ी इतनी आदत तो नहीं हुई। अच्छा, ऐसा होता है कि जो फ्रेंड्स हों उनके साथ चाहे कैमरा पे बात करो चाहे जहां बात करो आसानी होती है बाद में, ऐसा होता है? जी तो इसका मतलब है जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो आराम से बात कर लेते हो, ऐसे ही? अच्छा, मेरे घर में ना मरियम आठ बच्चे हैं, मतलब लाइक इतने बड़े से लेकर इतने छोटे तक, मतलब बहुत छोटे, 14 साल का बड़ा बड़ा भतीजा है, और सबसे छोटी है वो 2 साल की होने वाली है। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और उनसे बातचीत करना मुझे बहुत ही पसंद है, वो क्योंकि वो एक तो उनका दिल बहुत प्योर होता है, उनके दिल में जो होता है वो वही बोलते हैं, बनावटी होते नहीं है वो, तो उनसे जो है ना बात करके बड़ा ही मजा आता है। तो मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ जब भी मुझे बात करने का मौका मिले, और मेरी दोस्ती भी बहुत जल्द जल्द हो जाती है बच्चों से भी, और लाइक बहुत बड़े लोगों बड़े बड़ी एज जो होते हैं जैसे कि दादा बू हो गए वगैरह वगैरह, मतलब बड़ी एज के लोग, उनसे भी बड़ी दोस्ती हो जाती है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया आसिम आसिम साहब ने, आसिम खान साहब ने इस्लामाबाद से, तो हमने इनकी वर्कशॉप अटेंड की थी। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? तो अच्छा, खैर यही मैं बता रही थी। अच्छा ये बताओ कि मरियम सबसे ज्यादा मजा किस किसकी कंपनी में आता है, फ्रेंड्स की, बच्चों की, फ्रेंड्स या बड़ों की? फ्रेंड्स की। अच्छा, मरियम को मरियम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? किस अपनी अपनी? हाँ अपनी। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। आप इतनी प्यारी हो, इतनी मासूम हो, आपको किसने कुछ बताया कि आप ये वाली बात ये बहुत अच्छा करती हो, मतलब ये बात आप में बहुत अच्छी है? नहीं बताया? मम्मा ने बताया होगा? बताया याद तो नहीं है, अगर बताया हुआ तो। नहीं। अच्छा सही। अच्छा आज यासीन, हेलो अबे, जस्ट नाउ आई ज्वाइन यू, व्हाट इज द टॉपिक यू आर डिस्कसिंग टुडे? अच्छा यासीन लशारी, अच्छा हम कोई भी टॉपिक आज हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, मरियम से मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, तो अगर आप क्योंकि रमजान है और हम सब रोजे रख रहे हैं तो आप अपने रोजे का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं इसे शामिल करूंगी। अच्छा मरियम ये बताओ कि आप कितने बहन भाई हो भला? सिक्स तीन बहन है आई थिंक, और तीन भाई। अच्छा, सबसे ज्यादा लड़ाकू कौन है, मरियम है? अच्छा मेरा स्टार कैंसर है, आपका कौन सा है? एक्वेरियस। अच्छा मुझे ज्यादा पता नहीं है एक्वेरियस के बारे में। तो खैर, अच्छा तो एक्वेरियस कैसे होते हैं? मुझे पता नहीं है, मतलब ऐसे खास बिलीव तो नहीं करती साज में, बस मेरी एक दोस्त है, उसको ऐसी चीजें पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक, तो उसने बताया था कि तुम्हारा स्टार एक्वेरियस है। इसके अलावा एमी से थोड़ी बात हुई थी इस बारे में, एमी कैरियर से, लेकिन नहीं खास। अच्छा सही। हाँ एक टाइम था जब मुझे स्टार्स पढ़ने का बहुत शौक था, वो बड़ा करती थी कि मतलब हर स्टार्स जो है उसमें क्या क्या खूबियां होती हैं, तो मैंने ज्यादा अपने स्टार को पढ़ा था, तो इसके अलावा स्कॉर्पियोज को पढ़ा था, मेरी फ्रेंड थी, और कुछ और स्टार्स को पढ़ा था, लेकिन अब क्योंकि काफी अर्से हो गए हैं तो मैं भी भूल गई हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है रुमैसा, उसे स्टार्स का बहुत ही शौक है, मतलब उसे जब भी गुफ्तगू करो वो कुछ ना कुछ बता रही होती है, और तो किसी ना किसी को ना होता है स्टार्स के बारे में, और ये भी एक किस्म का एक यहाँ से कहेंगे नॉलेज है। खैर तो मरियम से हम किस टॉपिक पे बात करें ताकि मरियम बात करे? है मरियम? अच्छा मैं एक बात बताऊँ मरियम, आई हैव नो सिस्टर, मतलब मेरी मेरी कोई बहन नहीं है बचपन से, सो आई ऑलवेज मिस कि अगर मेरी बहन होती तो मैं लड़ती उससे, उस पर जरा हुक्म चलाती। ये
या कुछ लाइक तो मुझे नहीं पता कि बहने जो एक बॉन्ड होता है जब बहनें सारी इकट्ठी होती है तो कैसा होता है, तो कैसा फील होता है बहनों के साथ? यू हैव थ्री, यू आर थ्री. छोटी बहन तो अभी मेरी 3 साल 3 साल की भी नहीं है, और बड़ी वाली के साथ वो भाइयों के साथ ज्यादा होती यू आर अलोन. मरियम की दोस्ती नहीं. किससे है? छोटी बहन से मिशाल से. मिशल है, मिशाल है. मशल. मशल. मशल इज अ नेम ऑफ, क्या मीनिंग है इसका? ये अरेबिक नेम है या कौन सा नेम है? मशल का मतलब रोशनी होता है शायद. हाँ रोशनी. अच्छा, उर्दू का मतलब है, उर्दू का मीनिंग है इसका मतलब. ठीक है, उर्दू का नहीं, लफ्ज मुझे है ये उर्दू का तो मशल. नहीं है, पता नहीं उर्दू का होगा. अच्छा सही. तो मेरी मेरी मुलाकात मिकाइल से हुई थी. मिकाइल इज वेरी 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 नोटी किड. वो बहुत नोटी है और बहुत ही जीनियस भी है साथ में. मुझे बहुत अच्छा लगा था उससे मिलके, बात करके. लेकिन वो फेसेस बड़े बनाता है. उससे किससे सीखे हैं? भाई उससे फेसेस बनाना किसे सीखे हैं? और आवाज भी एक खास किस्म की निकालता है, शरारती है वो तो. फेसेस तो मुझे भी बनाने की बहुत आदत है, और आवाज उससे कार्टून देख देख के. हाँ और यहाँ हाथ रख लेते हैं और बोलता है अजीब वो गरीब तरीके से ना. खैर, तो उसकी शरारत है ये. मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा पसंद उसकी आदत. अच्छा वो असल में मुझे लगता है कि वो चाह रहा होता है उस टाइम उसको तवज्जो दी जाए. दैट्स व्हाई वो इस तरह की छोटी छोटी जो शरारतें हैं ना वो करता है. उस दिन जिस दिन आप भी कार्ला की क्लास में आए हुए थे, तो वो भी आया था जब, तो वो ना वो जो गोल्ड मेडल है बोल नहीं रहा था, वो दिखा रहा था अपनी तरफ तवज्जो कराने के. देखा मैंने देखा ना कितना शरारती. अच्छा सही. अच्छा तो ये मरियम का इंटरव्यू है, तो मरियम बात नहीं कर रही तो मैं ज्यादा बात कर रही हूँ. तो मैं ये चाह रही हूँ मरियम कि आज के दिन आप अगर मुझसे बात कर रहे हो तो कैमरा का जो वो है ना, थोड़ी सी हिचकिचाहट, वो थोड़ा कम हो. कैसे होगी? नहीं. स्टार स्टार है, स्टार स्टार में मैंने देखा था आप और भी ज्यादा जो है ना थोड़ा हिचकिचाते थे बहुत स्टार्ट में. अब कम हो गया. इट्स गुड. बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल अंदाज से बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा. या अच्छा ये बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक ब्लैक और व्हाइट. ब्लैक और व्हाइट? मेरा है व्हाइट, मुझे व्हाइट बहुत पसंद है. अच्छा सही. और खाने में जो आप बनाते हो, अपने हाथ के बने हुए चीजें खा लेते हो? कभी कभी अपने हाथ के बना हुआ खाना खा लेती हूँ. मिठास नहीं, नहीं खाती, मुझे इतनी नहीं पसंद. क्या नहीं पसंद? स्वीट डिश डिजर्ट्स बनाती ज्यादा डिजर्ट हूँ, में खाती सिर्फ कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं खाती हूँ, और फिर मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, लेकिन सब नहीं खाती, बनाती ज्यादा. सही. अच्छा पता नहीं अयाज साहब आपकी मुझे जो है बात समझ नहीं आई. खैर तो ये बताओ कि सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है मरियम? खाने में कोई भी एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है. कोई ऐसी डिश नहीं है जो मैं कभी भी खा लूंगी जब जिसका दिल चाह रहा हो, लेकिन हाँ सूप बहुत पसंद है. बना भी लेते हो? नहीं बनाना नहीं आता. अच्छा ठीक. अच्छा ये बताओ कि आप अभी तक कितने जो है शहर या मुल्क घूम चुके हो? पांच
पांच मुल्क। तो उन पांचों में से सबसे मजे का मुल्क क्या था, कौन सा वाला था? एक्चुअली दो तो बहुत काफी टाइम हो गया था, मैं काफी छोटी थी तब, इतना याद नहीं है, लेकिन 2015 में जब अमेरिका गए थे तब बहुत मजा आया था। अभी जब जो गए थे आप विजिट पे अब्बू के साथ नहीं, और भाई के साथ? 2015 में तब पूरी पूरी फैमिली गई थी। अच्छा सही। कहाँ गए थे? अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। गए थे, ठीक है सही। तो अभी सुकून वाला मुल्क है वो या कैसा मुल्क है, या वहां भी शोरगुल है? What did you observe there? एक्चुअली से घूमे थे या कहीं रहे थे? घूमे थे, काफी घूमे थे, 1 महीना घूमे थे और 1 महीना एक ही शहर में रहे। तो वहां वहां खाने अच्छे से मिल जाते हैं या खुद बनाना पड़ता है? हम लोग तो घूम रहे थे तो बाहर का ही खाते थे ज्यादातर, फिर जब घर में 1 महीना रहे थे तो वहां पे फिर मम्मी बनाती थी। सही ठीक। तो कोई ऐसी बात जो याद रही हो बहुत फनी हो? मशल वहां पे पैदा हुई थी, वो सबसे नहीं, है 2015 में? अच्छा वो वहां बोर्न हुई थी। वाओ, तो इसका मतलब है जब मशल बड़ी होगी ना तो हम मशल को कहेंगे मशल तुम देखो पाकिस्तानी नहीं हो उसको मेरा एक और भाई भी वहीं पे पैदा हुआ है, अच्छा कौन से वाला? साथ मिकाई को मैं जानती हूँ, अब्दुल्ला को जानती हूँ। उनके बीच वाला, नाम क्या है? साथ अच्छा सही ठीक। आप हमेशा कराची में रहते हो, मतलब आप बाकी जो बहन भाई हैं वो कराची में ही पैदा हुए? आप सब आपकी फैमिली वहीं रहती है सारे? सिर्फ जी। मैं उनको जानती हूँ जो अमेरिका रहते हैं, वो मामू महमूद, उनसे बात हुई है मेरी। और बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जानती हूँ लेकिन उनसे बात नहीं हुई शायद। बात मैंने तो की थी, वो बिजी थे तो अभी तक मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पाया। खैर तो अच्छा सारे अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं, जो सारे यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनसे कहूंगी कि अच्छा तो मैं उनसे कहूंगी कि यहाँ रमजान के बारे में जो आपका रोजे का एक्सपीरियंस है कैसा जा रहा है वो बता दीजिएगा, मैं कमेंट्स में जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमें तरावी पढ़ने वो नमाज के लिए जाना होगा और सुबह के रोजे की तैयारी करनी होगी। मरिया मुझे अच्छा लगा बात करके, ठीक है? सो बी इजी, यू आर सो प्योर सोल, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ और भी तमाम चीजों के लिए, बहुत अच्छी चीजें हो आपकी जिंदगी में, आप बहुत प्यारी हो और जो है खुश रहो हमेशा। ठीक है जाने, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद मैं क्लोज करूं, कोई बुलाने आया था आपको? नहीं, वो भाई खड़ा हो गया था, अच्छा मुझे लगा शायद गया। जाना है तो इसलिए मैं क्लोज करने वाली थी। आपके पास कितना टाइम है? मेरे पास अभी तो नमाज है, कब पढ़नी है? 9:30 बजे आते हैं सब। अच्छा सही है ठीक। अच्छा मरियम हम बात कर सकते हैं थोड़ी सी और? जी अच्छा सही। अच्छा ये बताओ कि मेरी वीडियोस देखी हैं आपने, इससे पहले वाली, ये वाली नहीं, कोई एक? थोड़ी थोड़ी देखें बीच बीच में से। अच्छा तो कैसी होती है मेरी वीडियोस, अच्छी होती हैं, इम्प्रूव करने की जरूरत होती है या मतलब आप उसे आप जब उसे सुनते हो एज अ व्यूअर या एज अ ऑडियंस तो आपको क्या लगता है? वीडियोस तो अच्छी होती हैं, मगर वो बड़ों बड़ों की बातें होती हैं तो इतनी समझ नहीं आती। अच्छा
तो उसे जो है छोटों के लिए कैसे अफेक्टिव बनाया जा सकता है, जैसा कि छोटों को क्या पसंद होता है? टॉपिक्स थोड़े से बड़े बड़े के होते हैं ना, इसलिए मुझसे देखी नहीं जाती ज्यादा, कोई जो ही देख। हाँ, फिर बोरिंग लगता है ना ज्यादा बात, इसलिए। तो आपको क्या लगता है, अगर बच्चों के लिए कोई चीज बनानी हो तो उसको फिर टॉपिक्स को सादा रखा जाए, सही ऐसे ही? जी अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताओ कि फेसबुक पे आप तो काफी ज्यादा फ्रेंड्स बने होंगे, कुछ उन फ्रेंड्स में से कुछ रियल लाइफ फ्रेंड्स में भी कन्वर्ट हुए? नहीं, जैसे? अच्छा, सही, नहीं, ठीक है। अच्छा, जो रियल लाइफ होते हैं उनको फेसबुक पे बना देती हूँ, फेसबुक से तो नहीं हूँ। हाँ, सही है, ठीक है। इट्स गुड कि अभी इस एज में सबसे ज्यादा पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, जो आपके टारगेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, ये बताओ, पहले भी मेरा आई थिंक आपसे पूछा था कि आप बुक्स पढ़ते हो, तो आपने कहा था बुक्स नहीं पढ़ती, है ना? अच्छा बहुत अच्छा ये बताओ सिलेक्टिव कि मीकल, बुक्स हाँ, होती, सिलेक्टिव बहुत कम बुक्स, बुक्स जैसा होती कि है हैरी पॉटर नॉवेल्स, क्या? ये। मेरी एक दोस्त है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसको जो भी बुक लगती है पढ़ पाऊंगी वो मुझे दे देती है, फिर पढ़ी गई तो पढ़ी, वरना उसको वापस कर देती। अच्छा, उसको बुक्स पढ़ने का शौक है, वो आपको दे देती है? उसको जो बुक लगती है मुझे अच्छी लगेगी और मुझे पढ़नी होती भी है तो ले लेती हूँ। कुछ भी, कहानियों वाली किताबें? कहानियों वाली अच्छा, सही। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, कुछ अर्सा पहले 14 अप्रैल को मेरी भाई की शादी हुई है, तो जो मेरी नई भाभी आई है ना, उनको भी बहुत शौक है। तो वो क्या करती है, कहानियों वाली जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं वो मोबाइल पे लगा के सुनती हूँ। मैं आपको कभी मिलाऊंगी उनसे भी, उनकी एज कम है, छोटी है वो भी। लेकिन ये है कि आपकी बात से मुझे उनकी बात याद आई, तो मैं उनको देख रही होती हूँ। अच्छा, खैर। और मरियम, क्योंकि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, इंटरव्यू आपका है। नहीं, आप बोल, मजा आया सुनने में। हाँ, ये ठीक है। मैं चाह रही हूँ आप बोले। अच्छा, तो यहाँ काफी सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया, आप सबके कमेंट्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया। फरा वसीम ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फरा। मेरे फादर ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच अब्बू। और भी सब जो भी फ्रेंड्स हैं लाहौर से, नूर भाई ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच नूरला भाई। आई होप कि आप फाइन हैं, आप ठीक होंगे। आप सबके रोजे कैसे जा रहे हैं, ये बताएं ना आप सब। पहला रोजा गुजर गया, दूसरा रोजा भाग रहा है, ऐसा लगता है ये तो जल्दी जल्दी, पता ही नहीं चलेगा पूरा रमजान भाग जाएगा। अच्छा, मैंने इस दफा रमजान में टारगेट रखा है कि ना, मैंने ना, अच्छा, नूर अल्लाह भाई कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि रोजों में ने जान निकाल दी हो, लगता है आप खाना भी खुद बना रहे होते हैं इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, आप घर से दूर है ना, हमें तो यहाँ बनी बनाई उतारी मिल जाती। खुद भी थोड़ी सी हेल्प करानी पड़ती है, खैर। अच्छा, ये बताओ मरियम कि पकोड़े बनाने आते हैं, पकोड़े अच्छे लगते हैं? कभी कभी मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पकोड़े में 5 रोटियों के बराबर कैलोरीज होती हैं, तब से मैंने कम कर दिया खाने। मैंने कहा है कि पहले भी बैठ बैठ के मोटी हो गई हूँ, आगे और ज्यादा मोटी नहीं होना। मैंने सोचा इस रमजान पकौड़े मस्त होते हैं, हमारे घर में मस्त पकौड़े होते हैं। जरूरी होते हैं, कि हमारी जॉइंट हाँ, फैमिली है ना तो बहुत सारे बनते हैं, 1 घंटा लगता है सारे तैयार होने में। सिर्फ पकोड़े तैयार होने में, और बाकी चीजों में तो फिर सारे करते होंगे। मेरी फैमिली भी ज्वाइंट है, जिसमें मेरे दो भाभियां, लाइक एक की शादी हुई थी 2005 में, दूसरे की शादी हुई थी 2007 में, और तीसरे भाई की शादी हुई है अभी 2018 में। तो हम सभी इकट्ठे रहते हैं,
तो इकट्ठे ही, लेकिन क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चे कम हैं तो इतने ज्यादा देर नहीं लगती, मतलब 1-2 घंटे में सारा वाइंड अप हो ही जाता है। आपके घर में आपकी चाची वगैरह साथ रहते हैं? जी सही। अच्छा, तैयब कह रहे हैं सलाम आपी राबिया एंड मरियम। वालेकुम असलाम। नूरुल्ला भाई कह रहे हैं मैं सोते सोते गुजर जाती है। अच्छा, आप रोजा सोते सोते रख रहे हैं नूरुल्ला भाई, इसीलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी कराया था किसी से, मैंने कहा इंटरव्यू कर लें आप, लेकिन आपने इंटरव्यू नहीं किया, आप बस चला कि सो रहे हैं आप रोजे में। देख लें नूरुल्ला भाई, देख लें आप। तो मरियम ये बताओ कि अम्मी अबू में से, ये वैसे एक नॉर्मल सवाल है जो हमारे बच्चे से पूछ लेते हैं, कि अम्मी अबू में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? अम्मी अम्मी से ज्यादा दोस्ती है क्यों? वो यहाँ जान पे पड़ती? होते, अब वो यहाँ पे ज्यादा होते नहीं है इसलिए अब अच्छा, मेरी अब्बू से ज्यादा दोस्ती है, मैं सारी बातें अब्बू से शेयर कर लेती हूँ जो भी बात हो। शायद ये है कि वो साथ रहते हैं तो इसलिए। अच्छा, नूर भाई क्या नहीं भागते लोग? आप अगर उन्हें भागने ना दें तो नहीं भागते। अच्छा मरियम, और अच्छा ये बताओ कि ये आपको कैसा लगता है इतना बातचीत करना है, जो इंटरव्यूज हम कर रहे हैं, या आपके अब्बू कहते हैं कि इस तरह इंटरव्यूज किया जाए, आप क्या देखते हो, ऐसे ऐसा करना चाहिए बातचीत? नहीं, अच्छा लोग मिलते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, लोगों के थोड़े थोड़े ख्याल भी चेंज होते हैं शायद। आपने अभी कितने लोगों से बात की है जिन्होंने आपका इंटरव्यू किया या आपसे बात किया? अमेरिका एक में दो? थे तो थोड़े से तभी करी थी, अब तो सिर्फ आपसे करे अभी और कार्ला से करे। बाय फेस बात की थी जब आप अमेरिका थे? अच्छा, जी अमेरिका में फेसबुक लाइव पे ही बात होती थी। 2015 में? नहीं अभी पिछले साल। हाँ, जब आप गए थे अब्दुल्ला के साथ और रियान भाई के साथ, ठीक है, मैंने देखा था वो वाला विजिट। सही। तो अभी यानी कि कितने लोगों से बात हुई, और जब आपने बात करना स्टार्ट की थी लाइव पे पहले दिन, और फिर थोड़े से लोगों से बात हुई, तो कैसा महसूस हुआ? यानी कि पहले पहले बात करके और बाद में बात करके। और मैंने देखा था आपकी पिक्चर, आप मोमेंटम पे भी अपने फादर के साथ गई थी, है ना? तो वो सारा एक्सपीरियंस कैसा था? एक स्टूडेंट की लाइफ बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर आप सोशल गैदरिंग्स पे जाएं तो उन्हीं को मजा आता है जो सोशल होते हैं। आई फील कि आप इतनी सोशल नहीं हो, ऐसा है? हाँ, शायद मूडी हो, है ना? अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो नहीं, है ना? ऐसे ऐसे लगता है। थोड़े थोड़े होते हैं, मैं भी हूँ शायद अच्छा, तो थोड़ी सी भी ज्यादा। थोड़ी, हाँ ये बात हो सकती है। ये बात हो सकती है। अच्छा, तो ये बताओ मरियम, मूडी होना चाहिए? फिर इस तरह होता है, जब हमारा मूड होता है तो हम बात करते हैं, जब हमारा मूड नहीं होता तो हम बात नहीं करते, तो ऐसे होता है, हमारे फ्रेंड्स तो फिर भाग जाएंगे, वो कहेंगे ये मूडी है। 10th के साथ नहीं होती, 10th के साथ बिल्कुल भी नहीं होती, घर पे थोड़ी थोड़ी होती। घर पे बात नहीं सुनते ना? मेरे अपने भाई बात भी सुनते सुनते भी हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, लेकिन कभी कभी नहीं सुनते, गुस्सा आता है, फिर मैं भी गुस्सा करती हूँ कभी कभी। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो जो मुझसे मिलते हैं उनको लगता है कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो वो कभी मुझे पहली दफा गुस्सा करता देखे तो वो कहते हैं आपको भी गुस्सा आता है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आता। तो ये हो रहा होता है भाइयों के साथ। तो मेरे चार भाई हैं,
तो मैं एक बहन हूँ एंड आई ऑलवेज फील के अगर शायद मेरी कोई बहन होती तो पता नहीं कैसा होता। बहन सिर्फ छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए। हाँ एटलीस्ट बंदा उनसे कह तो सकता है ना, बेटा ये करो वो करो ये करो। अच्छा मैं मजे की बात बताऊँ मरियम आपको, आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की है एंड मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं भी कंफर्टेबल हूँ बात करके, शायद बाकी सबसे मैंने फॉर्मली बात की है, फॉर्मल लहजे में बात की है, तो अच्छा लगता है जब आप एक नॉर्मल लेवल पे आके मतलब सुकून से बात करें, कंफर्टेबल होकर बात करें। सो मैं आपको अपना अपना वो बता रही हूँ, व्हाट आई एम फीलिंग। यहाँ एक है अच्छा, एक मुश्किल सा नाम है, एलिजाबेथ पीरिस ओलिवेरी पीरिस, पता नहीं मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं कर रही। एलिजाबेथ तो पढ़ लिया है। सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाय। अच्छा नूरुल्ला भाई क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपकी ना सुने, आप तो उनको घर निकाल देंगे। सुने आप तो उनको घर से निकाल देंगे पता। अच्छा नूर भाई जो है, नूर भाई दिल पे नहीं लेनी बात, मुझे समझ आ गई आपकी बात, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई अगर बात ना सुने तो उसको घर से निकाल नहीं देना चाहिए, पूछो के बात करनी चाहिए, है ना? ऐसा है ना मरियम, अगर कोई बात ना सुने तो क्या करना चाहिए? बर्दाश्त। सही, बर्दाश्त की भी तो एक हद होती है, ऐसे कहा जाता है, मुझे नहीं पता मतलब, क्योंकि जो हमें, मुझे ये लगता है कि जो हमें अच्छे लगते हैं हम उनकी हर बात बर्दाश्त कर लेते हैं, टॉलरेट करते हैं उनको, काफी स्पेस देते हैं, और जो हमें अच्छे नहीं लग रहे होते बाज़ औक़ात तो हम कहते हैं कि हम उसे थोड़ा सा स्पेस फिल कर लेते हैं कि भाई बात नहीं करनी ज्यादा, ऐसा होता है? वैसे तो सारे इंसान अच्छे होते हैं, जिनसे आप अच्छे हैं वो आपके साथ अच्छे होते हैं, आप क्या कहते हो इस बारे में? सही होता अच्छा ये बताओ कि अभी 8th में हो तो आगे जाके इसी इसी फील्ड में जाना है, कुकिंग की फील्ड में जाना है या क्या बनना है? हाउ डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर? है। एक्चुअली मुझे पढ़ाई का तो इतना शौक है नहीं, तो बस ओ लेवल्स करके कुकिंग के ही क्लासेस वगैरह लेने हैं, बाकी शेफ यानी कि इस और तरफ पढ़ना तो जाओगे? पड़ेगा। अच्छा एक सबक याद नहीं होता ये क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं था कभी ऐसे लगता है जैसे लव्स भाग रहे हैं, जब बुक खोलो उड़ रहे हैं। वो एक फिल्म थी ना, कौन सी वाली थी जिसमें बच्चे को लव्स उड़ते हुए नजर सारे आते जमीन हैं ये भाग? हाँ सारे जमीन पर हाँ तारे जमीन पर, वो बच्चा कितना क्रिएटिव होता है, उसको लव्स उड़ते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, तो वैसा तो नहीं होता मरियम जब बुक खोलो? मुझे तो बुक खोलते तो नींद ही इतनी आती थी, पढ़ाई नहीं जाता था मैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी, 60% मार्क्स लेती थी, ज्यादा नहीं लेती थी। मुझे याद है मतलब आई वॉज सो वीक इन मैथ्स, मुझे याद है मेरे बाज़ औक़ात 33 नंबर भी आ जाते थे 100 में से, फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, देन आई गॉट गुड मार्क्स इन मैथ, फिर मेरे अच्छे आते थे, मतलब एक दफा ये भी था मैथ्स में इतनी बुरे मार्क्स आते थे। ओके मरियम देखो मैं बात कर रही हूँ और आप बातें कर रहे हैं, अब मैं आपसे क्या सवाल करूँ?
बेग मौजम कह रहे हैं, क्या वजह है कि एक बंदा बुक पढ़ता है और कुछ अरसे बाद आखिरी पेज पर चला जाता है? यानी कि वो एक अच्छे रीडर होते हैं, उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक आता है, तो वो बुक्स अच्छे से पढ़ते हैं, यही वजह हो सकती है। और तो वजह मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर उस बुक में आपका इंटरेस्ट होता है, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं हम उन्हें उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, उसको पढ़ते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता बेग बजन साहब कैसा क्यों होता है, आप अपने बारे में बता सकते हैं। अच्छा एक एक सजेशन आई है कि मरियम से मूवीज के बारे में पूछे। अच्छा मरियम हाँ मूवीज के बारे में बताओ, कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं? तारे जमीन तो बे, तो इस तरह की मूवीज जो होती हैं क्रिएटिव वो सबको पसंद होती हैं, आपको कौन सी अच्छी लगती हैं? सब मूवीज नहीं जनरलाइज नहीं करना भाई, सब मूवीज या फिर सब खाने सब रंग, नहीं जनरलाइज नहीं करना। कॉमेडी कॉमेडी, एक शो आता है कपिल वाला, वो देखते होते आप? हाँ यूट्यूब पर होता, अब यूट्यूब पे नहीं होता तो अब बहुत कम देखते। अच्छा, एक और मुझे वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते थे जो बच्चों के आते थे, आई थिंक मुझे नाम भूल गए हैं, आई थिंक टैलेंट, जिसमें बच्चे बहुत डांसिंग वाले शोज भी आते थे इंडिया के आते थे, लेकिन वो तो, और यानी कि आप फिर क्या टीवी ड्रामा देखते हो फिर? काफी अच्छा कौन सा फेवरेट ड्रामा है, वही कौन सा फेवरेट फेवरेट ड्रामा कौन सा है? फेवरेट तो नहीं है। आजकल एक दो एपिसोड तो खत्म होने वाला है, खामोशी, उस खामोशी, ड्रामे का नाम है। सही। तो उसमें क्या स्टोरी है, वो क्या कहते हैं? बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ असद थैंक यू सो मच, अमेरिका गॉट टैलेंट शो ये भी अच्छा है। चलो सारे अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं, सही। तो अच्छा और मैं आपसे क्या पूछूं मरियम, आप बताओ, वही पूछती हूँ ताकि आप आराम से जवाब दे पाओ। यूजली मेरी जल्दी दोस्ती हो जाती है सबके साथ, लेकिन आई आई इट टेक टाइम, आई थिंक इट्स ओके। उस आप ग्रेड्स की बात करी थी ना, कि आपके ग्रेड्स कम आते थे, मैं हाँ उसमें ग्रेट्स, कहना चाह रही थी कि मुझे ग्रेड्स से कुछ एज लॉन्ग में या कोई भी हो कोशिश कर रहा है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल से ग्रेड्स से मैटर नहीं करते। अगर आप आगे पढ़ रहे हो और यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल पे शायद जरूरी होते हैं, बट मेरे लिए इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट। जहाँ तक मैं अब जब तक मैं कोशिश कर रही हूँ अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ तो ग्रेट हो गया। हाँ बस पास हो। आई लाइक दिस पॉइंट, सही। अच्छा मैं ये सोच रही थी मोहम्मद आसिफ साहब के वीडियोस को कैसे अच्छा और मुअसर बनाया जा सकता है, तो अभी मैं सोच रही हूँ, ठीक है आप सजेशन यहाँ दे सकते हैं। ठीक है तो मैं यही थी, कहीं भी नहीं थी, सिर्फ वीडियोस कम बना रही थी। अब मैं ट्राई करूंगी कि दोबारा उसी स्पिरिट से बनाऊं चीजों को, उस तरह देखूं, तो कहीं नहीं थी मैं। अच्छा इसके अलावा, अच्छा ये बताओ मरियम कि आपको क्या लगता है कि हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं? सोचा नहीं उस बारे में। अच्छा आपको सबसे आसान सवाल क्या लगता है? जैसा कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है जिसपे आप बात करके अच्छा महसूस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड्स के साथ
जिस पे आप अपनी राय दे सको, जिस पे आप अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको एक्सप्लेन कर सको, आपको कौन सा अच्छा टॉपिक लगता है? हमारे पास अभी 9:11 हुए हैं, 9:30 कहा था ना आपने। चलो उसे जल्दी से बता दो, आप जिसपे बहुत बोलते हो कि हाँ ये तो जबरदस्त है बात। पढ़ाई पे अभी पढ़ाई पे आज इन के पढ़ाई करने का तो शौक नहीं है, या फिर मोस्टली स्कूल की बातें होती रहती है। अच्छा, अभी आप कहीं शादी पे गए हुए थे, आपने अपनी डीपी अपडेट की हुई थी? वो थोड़ी सी इतनी पुरानी नहीं है, इसी महीने की होगी शायद। हाँ शादी की। मुझे मुझे ड्रेस में सबसे ज्यादा फ्रॉक्स अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं फ्रॉक्स। आपको क्या लगता है? मुझे गरारे पसंद है, पहनती इतनी नहीं हूँ लेकिन पसंद बहुत है। आजकल उसका ट्रेंड भी है, अगर आप देखोगे ना तो आजकल वो चल भी रहे हैं, अच्छे भी लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और अच्छा मरियम, अच्छा ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ रहा है कि मरियम क्या अपनी बेस्ट पोएम सिंग कर सकती हैं? कोई पोएम आती है आपको? पहले वो आती थी अच्छा वो कौन सा है? एक तो ये है ना, मैं कभी घबराता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, किसी इसी का किसी का मूवी का है, तारे मोटिवेटेड जमीन है। पर है, तारे हाँ जमीन किसी पर का। का है। एक और भी था, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन आई थिंक। ये थ्री इडियट्स का है, हाँ ये वाला बहुत मजे का आता है। मुझे लिरिक्स कभी याद नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है कभी चलो याद हो जाए। ओके, सो इसको इसको एज अ सॉन्ग ना लो, इसको देखो कि इसके लिरिक्स बहुत खूबसूरत है। मतलब वो कहता उसकी है कि लिरिक्स गिव मी सन, है ना? मुझे पसंद बहुत है, अगर उसके बारे में थोड़ा तो सोचे तो काफी अच्छी है। अच्छा क्या था, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन। अच्छा असद भाई भी हमें वो कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में ना। सही। अच्छा मरियम, और कोई बुला रहा है आपको? नहीं नहीं मिकाइल तो मुझे बुलाओ, बात करनी है मुझे। हेलो मिकाइल, जीनियस बॉय, कैसे हो? ठीक हूँ कैसे हो? ठीक मैं हूँ। आपको याद, मुझे पता है, आपको पता है मैं आपको याद कर रही थी, मैंने कहा मिकाइल कहाँ है। मुझे पता हाँ है, हम आपने ही, सीन है, मुझे कॉल करी थी। हाँ मैंने कॉल भी करी थी आपको, तो आप बात भी हुई थी मेरी आपसे आई थिंक। तो अभी अभी यहाँ से आवाज निकालना बंद हुई? कैसे थे, कैसे करते थे? कटिंग करा के मिकाइल अच्छे लग रहे हो, वो देखो वो शरारतें स्टार्ट मिकाइल की। मैं कहाँ अब तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, तरावी जा रहे? तरावी पढ़ने। बने, चलो खैर से जाओ, खुदा हाफिज। माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी आदत है ये नमाज, ये वहां भी नमाज पढ़ रहा था, इतना छोटा सा है। घर में मतलब वहां जब थे हम, मैंने इसको देखा था नमाज पढ़ते हुए। दादी पढ़वा रही होंगी, बहुत कम पढ़ते हैं ऐसे। बहुत पढ़ता तो है ना, इतना छोटा सा बच्चा है। नहीं बहुत मुश्किलों से पढ़ता है, अभी पढ़ने जा रहा है। ठीक है, हमने इकट्ठे बैठ के गेम भी खेली थी और मिकाइल जीत गया था उसको, मैं नहीं जीती थी, कौन सा? मुझे खेलने भी नहीं आ रही थी, पता नहीं कोई इसने ही लगाई थी कोई गेम। हर कोई अपने तरह के कमेंट कर, अपनी तरह। अच्छा ये देखो, मेरी कभी, मेरी आपसे तो बात हुई है आई थिंक, आपकी बड़ी सिस्टर का नाम क्या है? भला मोमिना, उनसे बात हुई लाइव।
वो तो आराम से बोलती है ना, मतलब है ना, वो मूडी नहीं है ना, मुड़ी तो सब होते हैं, वो भी है, होते मोटी सब नहीं होते कैसे? हैं मेरे घर में सब। मोटी बात जब दिल करे तब बात करो, जब दिल ना करे तब बात ना करो। कम मतलब थोड़े बहुत मूडी तो सब होते हैं, इतने हाँ। जब मूड है तो बस बात कर लो, वरना मूड मुंह बना के बैठे रहो ऐसे करके। अपने अपने फोन में घुसे रहो बस। दूसरा उदास उधर है, भिलाते रहे, हेलो हेलो कहाँ है, कहाँ है आप? कोई इतना वो करता भी नहीं है। मेरी सबसे छोटी नहीं, तीन छोटे हैं, लाइक एक है आफिया, एक है कशान, और सबसे छोटी वाली मैं है। क्या जो आफिया है ना वो है अभी 3 साल की, ठीक है, वो इतनी छोटी सी है। और क्योंकि अब सबके बच्चों के पास वो होते हैं ये मोबाइल हो हाथ में, कभी किसी ना किसी के पास मोबाइल होता है तो हर कोई बिजी भी होता है ना, तो उसको उसकी मम्मा जब मोबाइल देती है ना, वो इतनी छोटी सी बच्ची है, वो उसको कैमरा को ऑन करके वो अपनी सेल्फियां लेती है। 3 साल की बच्ची है 3 या 3.5 साल की होगी, तो अपनी उसने पोज बना के सेल्फियां ली होती है। मैंने कहा ये ठीक है, ये जो है ना बच्चे मगन रहते हैं जो करते हैं उसमें, और वो उसपे पोइम्स लगा देती है, फिर उसको भाभी ने डाउनलोड करके दी हुई है पोइम्स के साथ, चीजें ढूंढना, चीजें मिलाना। ये क्या हो गया, मेरे लैपटॉप भी साथ था खड़ा हुआ तो उसपे पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल पड़ा यार। अच्छा ये बताओ, सॉन्ग सुनते हो क्यों मरियम? वी हैव 13 मिनट्स। कल तो मुझे मरियम इतनी नींद आई। हाँ क्या सॉन्ग? नहीं कुछ नहीं। आजकल तो रमजान है, मैं बता रही थी, मतलब सॉन्ग आजकल तो टाइम नहीं मिलता ना सॉन्ग सुनने का, मतलब सुबह के टाइम, सारा दिन रोजा, फिर रात के टाइम। कल कल मुझे इतनी थकावट हो गई, मैं तो इस टाइम सोई पड़ी थी। ओ माय गॉड, हालांकि क्लास में जाऊंगा था। चलें कोई बात नहीं, मैं भूल ही गई। अच्छा तो व्हाट आई विश इज दैट मरियम, के जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, वैसे मरियम से मैं बातें सुना, स्टोरी सुना दो मरियम मुझे कोई अच्छी सी। स्टोरी मैं चुप कर जाती हूँ, आप सुना दो। स्टोरी तो नहीं आती। कोई भी मैं देखना चाहती हूँ मरियम कंटिन्यूअसली कैसे बोलती। मैं चुप रहती हूँ, मरियम को सुनती हूँ। फील दैट इस टाइम कोई भी हमें सुन नहीं रहा। चलो अब बताओ, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। मैं भी बहुत कम बोलती हूँ, घर में बिल्कुल नहीं बोलती। सारे कहते हैं बोलो बोलो इतना बोलती हूँ लाइव वीडियोस में आके, तुम्हें मैं इधर चुप करके बैठी रहती हूँ, काम की बात होती है तो करती हूँ, घर में वैसे मैं कितना बोलती हूँ कोई कह नहीं सकता होगा कि ये कम बोलती हूँ। कंटिन्यूअसली मैं तेरे अपने दोस्तों के सामने बोलती हूँ, और लेकिन थोड़ी देर वो भी हर वक्त नहीं, कभी कभी। हाँ मूडी हो ना तो कंसीडर करो कि आई एम योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड, एंड आपने मुझे कोई बात कहनी है तो आप क्या कहोगे? लाइक कोई स्टोरी सुनानी है, कोई बात करनी है तो कैसे कहोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू सी के मरियम कंटिन्यूअसली कैसे बोलती है, क्या बात कैसे करती है। क्या बोलूं मैं, कुछ कुछ भी नहीं पता। बगैर शर्माए। तो
यहाँ एक आदिल भैया है इंडिया से, वो कह रहे हैं राबिया सिस्टर आप बहुत बोलती हो हम जानते हैं. यस आई नो दैट, यू नो दैट ना मैं कितना बोलती हूँ लाइव वीडियोस पे. अगर आप मुझे देखेंगे घर तो मैं बोलती नहीं हूँ ज्यादा यहाँ. या सो मरियम थोड़ी देर के लिए बोलो कुछ भी. अच्छा ये बताओ कभी नहीं. अखबार पढ़ी? अच्छा अच्छा आर्टिकल्स कुछ और पहले एक्सिबिशन. वीशाइन होता था, एक मैगजीन होता है अभी भी वीशाइन, उसमें रेसिपीज पढ़ती थी बस। एक इंटरेस्ट, एक बात, एक फोकस, कुकिंग, कार्टून्स. मुझे टॉम एंड जेरी अभी पसंद है. हाँ जब मेरे लूनी भतीजे टून देख रहे, पसंद है, कौन से पसंद है? लूनी टून बच्चों वाला। हाँ लोनी टून्स. ओ मुझे याद दिला दिए. वो बहुत मजे के होते थे. अब कब इतना सब देखा नहीं. और एक पिंक पैंथर भी लगते थे, एक और भी थे मजे के लोनी टून के साथ, ना स्कूबी स्कूबी डूबी डू वाले लगते थे एक बहुत अच्छा. वो नहीं देखे आपने? कार्टून में कई कभी भी मजे. इतना ही देखती थी। बच्चों के साथ आजकल. मुझे हमेशा से ड्रामा का शौक था। मैं नानी के आगे जाती थी तो टीवी पे नानी के साथ लेट के सिर्फ रेसिपीज वगैरह देखती रहती थी। और फिर मुझे, मेरी अब्बू की फूफी हैं काफी बड़ी हैं, तो उनके साथ, उनसे मेरी बहुत बनती है, अभी भी है, बनती है बहुत, तो उनके साथ मैं पहले बैठ के ड्रामे देखती थी बस, ड्रामे ड्रामे। 8 बजे मैं उनके पास चली जाती थी और फिर बस जब तक ड्राम के खत्म नहीं हो जाते थे वहां सुनती नहीं थी। अच्छा तो फिर आप उनके साथ ड्रामास के बारे में गपशप करते थे. ड्रामे में ना नहीं कोई ना गपशप कोई. हाँ तो नहीं करती थी, सिर्फ देखती थी। और इसके अलावा ड्रामे. उनसे जब बातें करनी होती थी तो वो एक्चुअली जना पार्टीशन के टाइम पे थी, तो उनसे उसकी कहानियां सुनती थी। सही. तो अभी भी जाते हो तो उनके साथ वैसे ही फ्रेंडशिप है, वैसे ही बात, वैसे ड्रामा थोड़ी सी और वो कम देते. हो गई, कम हो गई है, जाती नहीं होगी ना. वो हमारे घर में ही रहती है, है वाओ. पहले रहती थी अब रहती है। मेरी अम्मी रूम में आई है तो वो पूछ रही है मिकाइल आया? मैंने कहा हाँ जी, बताओ आप यहाँ पढ़ने चला गया. अच्छा आप क्या कह रही थी मरियम? हाँ कहती जी. अब उनसे इतनी बात नहीं होती। हाँ मेरी मेरी एक फूफो थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही ना. उनका लास्ट ईयर वो फोर्थ हो गई थी. वो हमारे मेरे घर हमेशा आती थी. मेरी उनके साथ बहुत बनती थी. मेरी बहुत सारी मतलब मेरी 5 फूफो, हाँ 4. मम्मी पीछे से कह रही है 4 4. उनमें से 2 फोर्थ हो गई है ना, 2 हैं. तो जो जो मेरे हमारे इधर मुल्तान में रहती थी ना, तो उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी. तो वो जब भी मेरे पास आती थी तो वो हम इकट्ठे जो है ना, मैं उनके पास पास रहती थी. मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करना, उनके साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता था. और क्योंकि वो भी बातें करती थी काफी अपने बचपन की, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे. मैं उनको बहुत मिस करती हूँ अभी तक. कोई भी फंक्शन हो या बिकॉज जो भी हमारे बड़े होते हैं ना, उनके साथ जो लम्हे होते हैं, जो हम गुजारते हैं, स्पेंड करते हैं, वो बहुत प्रीशियस होते हैं. अगर वो चले जाएं तो फिर बहुत याद आते हैं. तो हमें जितना भी मौका मिला मिले तो हम उनके साथ जरूर टाइम स्पेंड करें. जब नहीं होते तो बहुत याद आते हैं. सो यू आर लकी. अच्छा मरिया, आपके दादा बू और दादी अम्मा यही रहते हैं आपके साथ? मेरे दादा दादी आते जाते रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं और दुबई में रहते हैं। अच्छा ठीक है. आपकी दादी अम्मा से तो मुलाकात हुई, दादाजी की तस्वीर शायद मैंने देखी थी आपकी दादी अम्मा के मोबाइल में, आई थिंक, या पता नहीं कहाँ देखी थी मैंने, पता नहीं. खैर ना बात बोल तो ना बोल।
हाँ आई एम गेटिंग इमोशनल, मुझे जब भी वो याद आती हैं तो आई फील सैड अबाउट हर. उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी. मेरे एक दादा बू हैं वो डी आई खान रहते हैं, डी आई खान डेरा इस्माइल खान, तो वो भी कभी कभी आते हैं. मतलब वो मेरे मेरे दादा बू के भाई हैं वो उनके साथ भी बहुत मजा आता है. वो हमेशा हर दफा आके पुरानी स्टोरी सुनाते हैं मुझे, हमेशा मतलब वही वाली स्टोरी सुनाते रहते हैं मुझे. और अब बताते रहते हैं कि हमारे जमाने में ये फिल्में थी और ये होता था और ये होता था, और हर दफा की उनकी ये वही बात होती है. और वो कहते हैं राबिया वो वाले पुराने सॉन्ग लगा दो, मैं उन्हें यूट्यूब पे लगा देती हूँ, इतने खुश होते हैं वो. और फिर जो है फिर मुझे बताते हैं देखो तब के सॉन्ग्स कैसे थे और अब कैसे हैं. लेकिन उनके साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है. आई फील सो हैप्पी विद हिम एज वेल. मेरी जो छोटी भाभी है ना अभी जिनकी शादी हुई है, वो भी उनको वो डी आई खान से मतलब उनकी रुखसती वहां से हुई है. अभी हम गए हुए थे उनको लेने सारे घर वाले, तो उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे. तो देखो मरियम मैं कितना बोलती हूँ, मेरे पास बातें खत्म नहीं होती ना. मेरे अम्मी के पास है नहीं, ये भी बता रहा हूँ, मेरे पास इतने बातें अम्मी के पास है नहीं। अच्छा अम्मी पीछे से बोल रही हैं, साथ साथ काम करी. अच्छा मेरे भी सुना कुछ दो, ध्यान अच्छा दे दो। नमाज कब पढ़नी है मरियम? We have 3 minutes. शुरू हो गई शायद। साढ़े साढ़े नौ में से 3 minutes रहते हैं हम. चलो अच्छा मरियम फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे. देखो आपने बहुत कम बोला है इस पूरे इंटरव्यू में, मैंने ज्यादा बोला. और मरियम बस बात खत्म करें. चलो ठीक है, मैंने भी नमाज पढ़ी है, आप भी नमाज पढ़ने जाओ. थैंक यू सो मच, बात करके मुझे अच्छा लगा. अपना ख्याल रखना और बहुत सारा प्यार आप लिए. अल्लाह हाफिज़. अभी जिन सब ने ज्वाइन किया आप सबके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. दुआ में याद रखिएगा रमजान है और अल्लाह आपके तमाम के रोजे कबूल फरमाए. और हमें जो है हम कोशिश करें कि इस रमजान में हम कुछ बेहतर इंसान बने. ठीक है ओके, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.